तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जहां पे कि हमें आने वाले एक दो दिन में काफी बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसे कि अभी क्वार्टर टू के रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम उसी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि कल क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। एंड वो इतना शानदार आ सकता है कि उसके चलते हमने कहा है कि कल इस शेयर में हमें काफी बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में, जिसका कि अभी शेयर प्राइस की बात करें पिछले दिन क्लोजिंग के अनुसार ये शेयर ने 7390 रुपए पे क्लोजिंग दिया है एंड अभी वो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी इसके अगर रिजल्ट के प्रीव्यू के बारे में बात करें तो प्रभुदास लीलाधर जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इसके क्वार्टर टू के अर्निंग्स के प्रीव्यू के बारे में बताते हुए कहा तो नेट प्रॉफिट में हमें 2876 करोड़ के आसपास के नंबर देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 94% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड वहां पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी हमें ये तकरीबन 11% की जंप शो कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में इतना जंप आता है वो रिजल्ट के दिन एंड अगले दिन काफी जंप दिखा सकता है। तो वहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर 30% की ग्रोथ देखने की उम्मीद लग रही है। तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रोथ 5% की हो सकती है, जो कि अगर नंबर्स की बात करें तो वो 5576 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है, इसमें भी हमें काफी इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। तो वहीं अगर हम प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी हमें तकरीबन ईयर ऑन ईयर 40% की ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर का 8% की ग्रोथ हमें देखने को मिलने की उम्मीद लग रही है, ऐसा प्रभुदास लीलाधर ने बताया है। तो वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि AUM में जो ग्रोथ दिखेगी वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% के आसपास देखने को मिल सकती है। तो वहीं अगर कस्टमर्स की बात करें तो उसमें भी हमें 2.6 मिलियन कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नए आए हुए हैं। तो इन सभी तरीके के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउस इसका मानना है कि बजाज फाइनेंस के नंबर काफी अच्छे आ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इस शेयर को अपनी फेवरेट लिस्ट में रखा है एंड उन्होंने बजाज फाइनेंस के लिए बाय की रेटिंग भी दी हुई है। तो वहीं अगर हम टारगेट की बात करें तो उन्होंने इस शेयर का टारगेट काफी ऊपर बताया है, जो कि है तकरीबन 9000 रुपए के आसपास। एंड अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें 19% ग्रोथ दिखने की उम्मीद लग रही है। तो यहाँ से काफी ऊपर के टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस ने बताए हुए हैं, हालांकि उसमें टाइम भी लगने वाला है। कल तैयार रहेगा, 20 अक्टूबर के दिन बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है वो मार्केट आवर्स के बाद आए तो फिर हमें परसों भी उतनी ही तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप बजाज फाइनेंस की शेयर होल्डर्स हो तो एक दो दिन में काफी बड़ी तेजी मिलने की उम्मीद लग रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे बजाज फाइनेंस से जुड़ी हुई हर वीडियोस हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उनकी सभी सारी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।